जनता पार्टी के राजनीतिक हथियार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 7 दिन की अरविंद केजरीवाल जी की मेडिकल चेकअप्स करवाने के लिए अंतरिम जमानत का जबरदस्त विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ईडी के वकील कोर्ट में पहुंचे और वो लड़ते रहे कि हम अरविंद केजरीवाल को 7 दिन की जमानत नहीं देंगे कि वो अपना कार्डियक चेकअप करवा लें, कि वो अपना किडनी चेकअप करवा लें, कि वो कैंसर के चेकअप करवा लें। मैं भारतीय जनता पार्टी से, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहती हूं, आप क्यों अरविंद केजरीवाल जी के मेडिकल चेकअप्स का विरोध कर रहे हैं? ये क्या षड्यंत्र है, ये क्या साजिश है कि आप डॉक्टर द्वारा दिए गए अरविंद केजरीवाल जी के इन गंभीर मेडिकल टेस्ट को नहीं होने दे रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह भी पूछना चाहती हूं कि आपने अरविंद केजरीवाल जी की ईडी कस्टडी में और जुडिशियल कस्टडी में ऐसा क्या किया कि इस तरह से सडन और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस अरविंद केजरीवाल को हो गया है? आपने उनकी कस्टडी में ऐसा क्या किया कि 56 साल की जिंदगी में उनका कभी कीटोन लेवल नहीं बढ़ा, लेकिन आपकी 51 दिन की कस्टडी के बाद उनका कीटोन लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच गया? हम सब ये जानते हैं कि तानाशाही सरकारें अक्सर अपने विरोधियों को जेल में डालते हैं और जेल में उनको अलग अलग तरीके से उनके स्वास्थ्य को खराब करने की कोशिश करते हैं और उनको जान से मारने की कोशिश करते हैं। हमने देखा है कि किस तरह से रशिया में वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया और उनमें से तो कईयों की जेल में मौत भी हो गई। फिर पुतिन जी अकेले चुनाव लड़ते हैं और वही चुनाव जीतते हैं। आज ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कुछ ऐसा ही करना चाह रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल जी की। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल एक्रेडिटेड बाय IAO एंड एफिलिएटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी लिस्टेड इन WHO। अरे ये गाड़ी किसने लगा दी यहाँ पे, अब क्या करूँ? अरे यहाँ तो ऑटो फायर्स का स्टिकर लगा है, इसके QR को स्कैन करके मैं इसके ऑनर को इन्फॉर्म करता हूँ ताकि वो अपनी गाड़ी यहाँ से हटा ले। अच्छा आप ही हैं क्या जिन्होंने ये ऑटो फाइल का QR स्कैन करके मुझे मैसेज किया था? अच्छा सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मैं अभी अपनी गाड़ी हटा लेता हूँ यहाँ से।